14th of February and we are here with the current affairs class. तो आज के current affairs class में हमारे पास बहुत कुछ है. नए current affairs के साथ साथ हम कल के कुछ questions को discuss करने वाले हैं. साथ ही साथ December month के जो current affairs के sports के news हैं, उसको हम tackle करेंगे और कुछ news जो है, वो हमारे पास कुछ questions हैं जो history के, तो history को भी हम यहाँ पर discuss करने वाले हैं. तो रोज हम 5-10 ऐसे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं जो स्टैटिक पोर्शंस आएगा. ठीक है, तो ऑब्वियसली टुडे इज 14th ऑफ फेब्रुअरी एंड द मोटो शुड बी सेल्फ लव. ठीक है, तो आप अपने ब्रेन के बारे में सोचिए, ब्रेन को अच्छा डोज दीजिए समथिंग गुड मटेरियल जो वो खा सके, दैट मीन्स एक अच्छा कॉन्टेंट दीजिए. अपने बॉडी के बारे में सोचिए, फिजिक के बारे में आप फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपका ब्रेन और बॉडी दोनों ही हेल्दी रहे. एंड दिस शुड ओनली बी द मोटो ऑफ टुडे. ठीक है, पहले आप ये काम कीजिएगा, खुद को स्वस्थ रखिएगा, फिर आप कोई भी काम कर सकते हैं जो आपको समाज के लिए करना है या खुद के पढ़ाई के लिए करना है या खुद के पेरेंट्स के लिए करना है या देश के लिए करना है. राइट, तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं सेशन को. वी जस्ट बिगिन द सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो पहला न्यूज़ आपके सामने है वो ये है. हाँ बिल्कुल, अब एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, सो वी कैन नॉट वेस्ट टाइम, सो वी विल स्टार्ट. ब्लैक गैलेक्सी, ठीक है, ब्लैक गैलेक्सी और इनविजिबल गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज हाल ही में किसके द्वारा की गई है. तो एक गैलेक्सी है जो कि अदृश्य है, या इसको आप ब्लैक गैलेक्सी कह सकते हैं, जिसकी खोज की गई है. नाउ आपको बताना है मुझे, आपको मुझे बताना है कि ये किस कंट्री ने खोजा है इसको. ठीक है, किस कंट्री ने इसको खोजा है ये आप बताइएगा. बिल्कुल, तो द आंसर्स आई एम गेटिंग इज इटली. कल्पना इटली बता रही है, हिमांशु और समर्थ जो है वो फ्रांस बता रहे हैं. तो द आंसर इज इटली. ठीक है, कल्पना इटली बता रही हो, बिल्कुल सही बता रही है. सबको विश यू द सेम, विश यू. चलिए, तो ब्लैक गैलेक्सी या इनविजिबल गैलेक्सी ये रिसेंटली डिस्कवर्स ने, रिसर्चर्स ने जो इटली के हैं उन्होंने इसको खोजा है. इट वॉज फाउंड एंड कैरेक्टराइज यूजिंग अटकामा लार्ज मिली सब मिली अरे. ठीक है, तो अटकामा में बहुत बड़ा सा टेलीस्कोप लगा है और उस अरे से इटली ने क्या खोजा है, ब्लैक गैलेक्सी खोजा है. ब्लैक गैलेक्सी एक कॉम्पैक्ट होता है, छोटा सा होता है. इंटरस्टेलर मूवी भी आप लोगों ने देखा होगा, तो इंटरस्टेलर डस्ट है ना, इट इज फॉर्मिंग स्टार एट अ रेट ऑफ 1000 टाइम फास्टर देन द मिल्की वे. तो मिल्की वे जो हमारा आकाश गंगा है उससे 1000 टाइम्स फास्टर ये स्टार्स को फॉर्म कर रहा है. चलिए ठीक है, मैं बताऊंगी सारी बातें, बैच के बारे में बताऊंगी. मेरा गलत थोड़ा सा भी है बट ये हो जाएगा. आकाश देशमुख, ये सारी जो बैचेस के बारे में हम लोग बात करेंगे बट पहले पढ़ लीजिए. देखेंगे, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023, तो जितने भी दुनिया भर के सरकार हैं उनका उनका समिट हुआ है और उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है ये आपको बताना है. तो इसका आयोजन बिल्कुल सही बात है, दुबई में किया गया है. दुनिया का पूरा जितने भी सरकार है उसके समिट्स हुए हैं और इसका आयोजन जो है 2023 में 13 से 15 फरवरी दुबई में किया गया है. थीम है शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट. ठीक है, तो भविष्य में जो सरकार है उसको शेप देना, किस तरह का पॉलिसी होना चाहिए, क्या मॉडल होना चाहिए, क्या डिसीजन मेकर्स होना चाहिए, ग्लोबल एक्सपर्ट थॉट होना चाहिए लीडर्स का, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का शेपिंग करना है भविष्य में सरकार जो बनेगी. हैदराबाद में भारत कि पहली फॉर्मूला ई रेस हुआ है और ये ई रेस जो है, ठीक है, फॉर्मूला ई रेस ये किसने जीता है. हैदराबाद में भारत का पहला फॉर्मूला 1 ई रेस हुआ और इसको किसने जीता है ये आपका क्वेश्चन है. यस, बलजीत यादव जी का आंसर आया है 2 कह रहे हैं, निक कैसिडी. ठीक है, बाकी लोग क्या कह रहे हैं. अंजय गाइस, आई वॉन्ट आंसर्स. ठीक है, शुभम दहल है वो भी निक कह रहे हैं, शुभम गिल तो नहीं हो. रोहित एरिक कह रहे हैं, करण जी भी निक कह रहे हैं. ठीक है,
तो आंसर क्या है? जीन एरिक वर्गन वर्ड ने वर्ज ने वर्ज ने ठीक है, इन्होंने इंडिया में पहला फर्स्ट एवर फॉर्मूला वन ई रेसिंग जीता है, ये हैदराबाद में हुआ है ठीक है। सेकेंड आए हैं निक कैसिडी जो आप लोग कह रहे हैं, तो एरिक जो है एरिक वर्ज ने जीन एरिक वर्ज ने, ये निक कैसिडी सेकेंड आए हैं और ये फर्स्ट आए हैं फाइन। और थर्ड जो है सेबेस्टियन बोमी आए हैं बियोमी ठीक है। अंडरस्टूड है किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? एरिक वर्जने फाइन, डीन एरिक वर्जने ने। भारत में पहला हुआ हैदराबाद में हुआ। नेक्स्ट है एम्पर एम्पर टेक्स। अब ये क्या है? नेशनल फिलैटिक क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड जमा करने को, पोस्ट जैसे कि क्वाइन जमा करने को न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। फिलैटिक कौन सा शौक है? डाक टिकट जमा करना ठीक है। तो डाक टिकट के लिए फिलैटिक एग्जीबिशन लगा, प्रदर्शनी हुआ, आप बताइए कहाँ पे हुआ? तो ये अश्विनी वैष्णव ने किया जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और ये प्रगति मैदान है दिल्ली में जहाँ पे रामलीला भी होता है, तो प्रगति मैदान दिल्ली में किया गया। ये 5 दिन का महाकुंभ था, जिनको भी स्टैम्प कलेक्ट करने का आदत है 11 से 15 फरवरी अपना एग्जीबिशन ये प्रगति मैदान में लगा सकते हैं। इससे भारत के रिच कल्चर हेरिटेज और हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में है। इन्होंने इनॉग्रेट किया है, इन्होंने दूसरा इंडियन राइस कांग्रेस इनॉग्रेट किया है। तो इंडियन राइस कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं होती, कांग्रेस का मतलब होता है मिलना, बैठ के बात करना। और सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस, तो ये आपने बताना है कि ये कहाँ पे किया गया है। हाँ जी, वेयर इट हैज बीन डन? इट हैज बीन डन इन कटक। सचिन कह रहे कटक, कृष्णा कह रहे राउरकेला, हर्ष कह रहे राउरकेला। ओके आंसर इज कटक ठीक है, ICAR। ओके तो ICAR का ही एक विंग है NRRI, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपको याद रखना है कि नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कटक में ही है, कटक ओडिशा में ही इसका इंस्टीट्यूट भी है। और यहाँ पर सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस हुआ जो कि 11 फरवरी को हुआ, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको इनॉग्रेट किया, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा फसल उगाया जाता है या कंज्यूम किया जाता है, तो आप लोग वीट में समझिएगा वो राइस है ठीक है। इंडियाज फर्स्ट हाई राइस प्रोटीन, अभी इसका भी अनावरण किया गया है, CR Dhan 310 ठीक है। और NRI जो है ऑल्सो रिलीज अ हाई जिंक वेराइटी, तो धन 315 ठीक है। तो प्रोटीन किस में मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा, देखिए ये सब ना कोड नेम होता है, बीज के नाम पे होता है ये, तो CR ठीक है। धन धान बोलते हैं ऐसे भी, चावल को धान कहते हैं, आपको पता होगा धान की खेती होती है, तो धान 310 में प्रोटीन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं धान 315 जो है, CR धान 315, इसमें जिंक है, तो जिंक भी बहुत ज़रूरी होता है बॉडी के लिए, तो इसमें जिंक और प्रोटीन। इसके अलावा जब आप सुनते होंगे कि राइस में विटामिन ए डाला जाता है, विटामिन ए, तो वो फोर्टिफाइड हो जाता है, फोर्टिफाइड हो जाता है ठीक है। तो फोर्टिफाइड राइस, ये पहले आपने और भी जगह सुना होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ से दो नई वंदे भारत ट्रेनों की को हरी झंडी दिखाई। तो देखिए अब ना ऑलमोस्ट हर जगह वंदे भारत ट्रेन चलने लगे हैं, तो आपको ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दो वंदे भारत ट्रेन जो कि कहाँ पे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से स्टार्ट किया है। अब ये जो है एक जाएगा शोलापुर और दूसरा जाएगा साईनगर शिरडी ठीक है। तो शिरडी जाते हैं,
मुंबई के बारे में एक और बात जान लीजिए कि मुंबई यहाँ पर आपका नासिक है और यहाँ पुणे है। तो जब आपको नासिक जाना होगा तो आपको एक पास से जाना होगा और उस पास का नाम है थालघाट, ठीक है। और जब आप पुणे जाएंगे तो आप एक पास से जाएंगे क्योंकि बहुत सारा पहाड़ है वेस्टर्न घाट्स का, तो वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ के बीच में एक और पास है जिसका नाम है भोरघाट। जब आप वेस्टर्न घाट से, जब आप जैसे कि मान लीजिए, ये तो आपको समझ में आ गया, अब ये समझिए कि यहाँ पर पूरा वेस्टर्न घाट्स है और यहाँ पर पूरा ईस्टर्न घाट्स है, तो इन दोनों के बीच में भी आपको पास चाहिए होता है क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो इन दोनों के बीच में जो पास है जिससे आप वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट पहुँच जाएंगे उसका नाम है पालघाट, PAL पालघाट, ठीक है। तो ये वेस्टर्न घाट को ईस्टर्न घाट से कनेक्ट करता है और इंडिया में ऑलमोस्ट सबसे साउथ में पालघाट है। अंडरस्टूड। ये ट्रेन जो है आप देख सकते हैं ये शोलापुर जाएगी, शोला का डोला होगा ना, ये तो शोलापुर जाएगी और साई नगर जाएगी जो कि शिरडी में है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आप देखें तो यहाँ पर राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव चल रहा है और आपने बताना है कि मुंबई में इसको इनॉग्रेट किया गया है, मुंबई में इसका उद्घाटन हुआ है। अब आप बताइए कि मुंबई में इसका उद्घाटन किसने किया है। जब ये कल्चर के बारे में है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के गवर्नर, इनका नाम याद रखेगा, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी, नो होशियारी, भगत सिंह कोश्यारी, ओके। तो भगत सिंह कोश्यारी ने क्या किया है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 ये कहाँ होगा, आजाद मैदान चर्च गेट में होगा मुंबई में, इसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। 9 दिन का ये फेस्टिवल रहेगा, क्लियर है। आमची मुंबई, बिल्कुल सही बात। अब देखिए यहाँ पे कितने अच्छे क्रेन्स आपको दिख रहे हैं, है ना। तो वेटलैंड, वेटलैंड क्या होते हैं, जैसे देख रहे हो यहाँ पे पानी पानी है, ये लोग खड़ी है चिड़िया सब, लेकिन खड़ी है तो पानी पे तो नहीं खड़ी होगी, जादू थोड़ी दिखा रही है, यानी यहाँ पे सतह है, सरफेस है ना, ठोस, लेकिन सरफेस किससे कवर्ड है, पानी से। तो ये दलदली टाइप का है ना, दलदली टाइप का है। तो आपने ये समझना है एक्सीटू कंजर्वेशन। अब ये एक्सीटू कंजर्वेशन क्या होता है उसको मैं आपको समझाने वाली हूँ। एक होता है इनसीटू और एक होता है एक्सीटू। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक जानवर है, ठीक है, जानवर, तुम नहीं जान, अब इसको ये अपने घर में रहता है, कहीं पे भी, फॉरेस्ट में रह सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रह सकता है, नेशनल पार्क में रह सकता है, कहीं पे भी। अब इस जानवर को बचाने के लिए हम उस पूरे जगह को प्रोटेक्ट कर देंगे, जैसे कि नेशनल पार्क, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उस जानवर, वो जानवर वहीं पे है ना, लेकिन हम जगह को ही प्रोटेक्ट कर दिए, हम घोषित कर दिए कि टाइगर यहाँ रहते हैं तो ये जगह को हम प्रोटेक्ट करके रखेंगे, टाइगर वहीं पे अपने घर में, तो ये इनसीटू है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि नहीं, ये टाइगर यहाँ प्रोटेक्टेड नहीं है, इसको टाइगर को ही एक जगह से दूसरी जगह लेके आ जाओ, जो कि ऑलरेडी एक प्रोटेक्टेड जगह है, जैसे कि बॉटनिकल पार्क या जूलॉजिकल पार्क, है ना, जू जिसको आप कहते हैं। तो टाइगर अपने घर में तो है नहीं, टाइगर को कहीं और लाकर रखा गया है ताकि उसको प्रोटेक्शन मिल सके, राइट। तो इस तरह का, जहाँ पे जानवर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, या कोई भी चीज़ को, चिड़िया को शिफ्ट कर दिए, या किसी पेड़ के बारे में है, किसी भी चीज़ को बचाने के लिए, अगर आप उसके घर में ही उसको बचा रहे हैं, घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो इनसीटू है, जैसे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जब आप किसी चीज़ को, किसी जानवर को या किसी प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं उसको बचाने के लिए, एक प्रोटेक्टिव एरिया में, प्रोटेक्टेड एरिया में, तो वो एक्सीटू है। समझ में आ गया आपको, चलिए क्लियर है। जैसे कि जू, फाइन, ओके। तो अब बोला जा रहा है कि वेटलैंड एक्सीटू कंजर्वेशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जू, एक्सीटू का मतलब ही हुआ जू, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट किसका, राजस्थान का, है ना, राजस्थान ने क्या किया है, जू बनाया है ताकि यहाँ पर वेटलैंड एक्सीटू कंजर्वेशन किया जा सके। तो यहाँ पे आपको एक और बात याद रखना है कि राजस्थान में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है क्योला दियो नेशनल पार्क, क्योला दियो नेशनल पार्क, ठीक है।
अब दो में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक है केबल केबल केबल, एक है केबल लाम जाओ मान जाओ लाम जाओ नेशनल पार्क, और एक है केओला दियो नेशनल पार्क। केबल लाम जाओ नेशनल पार्क जो है मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में है, और ये एक फ्लोटिंग, ये भी आपका वेटलैंड आ जाएगा, ये एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क, क्योंकि ये पूरा दलदली क्षेत्र में है, है? यहाँ पे आपको डांसिंग डियर मिलेगी, है ना, डांसिंग डियर नाचती हुई हिरण मिलेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे घास मिलेगा जिसको आप फुंदीज कहते हैं, क्या कहते हैं, फुंदीज कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि भरतपुर में जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे केओला दियो नेशनल पार्क आपको मिलेगा, और यहाँ पे राजस्थान उसको एक्सीटू कंजर्वेशन कर रहा है, बर्ड सेंचुरी है, बहुत सारी चिड़िया आती है। क्यों आती है चिड़िया, चिड़िया इसीलिए आती है क्योंकि क्योंकि क्या होता है, क्योंकि आपको पता है दुनिया भर में ठंड के टाइम में जो साइबेरिया है वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ का साइबेरियन क्रेन जो है वो इंडिया में राजस्थान में आ जाता है। क्लियर है, यस। आज बिल्कुल पुलवामा अटैक डे है और हम इसको फ्लैग डे के रूप में जानते हैं, आप सभी को याद होगा, तो देश को याद करते हुए हमें अपने आप को जल्दी से काबिल बनाना है, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंचाना है कि आगे चल के आप देश की सेवा कर सके और प्रोटेक्ट कर सके, है ना। ओके, यस, इंडियन आर्म फोर्स यानी कि भारतीय सशस्त्र बल आर सेट टू प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, तो ये खरीदने के लिए तैयार है, क्या खरीदने के लिए, प्रीडेटर, प्रीडेटर मतलब क्या होता है, तो एक होता है प्रे जिसको खाया जाता है और एक होता है प्रीडेटर जो शिकार करता है, ठीक है, जैसे कि हिरण जो है, हिरण वो क्या हो गया, वो प्रे हो गया, और लायन क्या हो गया, प्रीडेटर हो गया, समझ में आया, तो ये प्रीडेटर MQ-9A, तो MQ-9A हम किस देश से खरीदने वाले हैं, हम इसको खरीदेंगे, प्रीडेटर MQ-9A ड्रोन है, ड्रोन को हम क्या बोलते हैं, अनमैंड एयर व्हीकल, ठीक है, UAV अनमैंड एयर व्हीकल, यानी कि आदमी इसके अंदर नहीं बैठेगा, ड्रोन को ऐसे ही चला दिया जाएगा। इसके अलावा S-400 हमने किससे लिया है, रशिया से लिया है, इसको आप याद रखिएगा, और रफेल का जो सीरीज है, रफेल का सीरीज हमने फ्रांस से लिया है, ठीक है, प्रीडेटर MQ-9A ड्रोन हमने अमेरिका से लिया है, 18 लेंगे जिसमें से each of three आर्म फोर्सेस के लिए हम 6-6 लेंगे, अंडरस्टूड। चले नेक्स्ट, फिर पूछा जा रहा है देश ने बीमारियों का पता लगाने के लिए और सुरक्षा जांच के लिए के सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट शुरू किया है, तो ये क्या करेगा, आवाज आ रही है ना सभी को, वीडियो और वॉइस क्लियर है ना, ठीक है, चलिए, तो ये क्या करेगा स्नीफिंग रोबोट, स्नीफिंग रोबोट क्या करेगा, ये देश में देखेगा कि कैसी तरह से हम बीमारी का इलाज कर रहे हैं, तो ये कौन सा कंट्री है, ये इजराइल है। स्नीफ करने का मतलब समझते हैं, स्निफ का मतलब, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में जब कपड़े धुलते होंगे तो कपड़े धुलने के पहले हम लोग उसको सूंघते हैं कि साफ है कि गंदा है ना, वो क्या है, वो स्निफ टेस्ट है, ठीक है, तो जब भी आप सूंघते हैं किसी चीज को, आप स्मेल करते हैं तो उसको स्निफिंग कहते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि कुत्ते जो डॉग्स होते हैं वो स्निफिंग डॉग होते हैं, यानी कि जिसकी सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं स्निफिंग, ठीक है, थैंक यू अनिमेश। तो यहाँ पे आप देखिएगा स्निफिंग रोबोट एक बायोलॉजिकल सेंसर है इसमें लगा हुआ, और ये डायग्नोस करेगा कि किस तरह से हम बीमारी से लड़ रहे हैं, और लॉक्यूटस स्मेल मैंने बोला ना अभी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एंटीना है, और एंटीना में क्या लगा हुआ है, एंटीना में लॉक्यूटस स्मेल लगा हुआ है ताकि ये डिटेक्ट कर ले कोई भी एबिलिटी, समझ में आया आपको यहाँ तक, चलिए अब है, तो ये कहाँ है, ये इसराइल में है, इसको आप याद रखिएगा। अब देखिएगा ICC T20 महिला विश्व कप, आपको पता है
इसकी नीलामी वगैरह भी शुरू हो चुकी है, तो ये साउथ अफ्रीका में होगा, है ना। कौन होस्ट करेगा? तो ये मैचेस जो है साउथ अफ्रीका और श्रीलंका मिलके होस्ट करने वाले हैं आईसीसी T20 वुमेन वर्ल्ड कप। ये 10 फरवरी को शुरू हुआ साउथ अफ्रीका में, और यहाँ पर साउथ अफ्रीका और श्रीलंका मिलकर इसको होस्ट करेंगे। ये पहली बार है वुमेन वर्ल्ड कप में कि अफ्रीकन देश भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप नेक्स्ट देखेंगे चाइनीज मेड कैमरा। तो चीनी निर्मित कैमरा को हटाने का फैसला किया गया है कि जो भी कैमरा हमारे देश भर में लगे हुए हैं वो चाइना का है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हमको नहीं चाहिए चाइना का बना हुआ कैमरा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि वो लोग अपने कैमरा में एक स्पाइंग कॉन्सर्न लगा लेते हैं ताकि वो देश की जासूसी कर सके। तो वहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर है रिचर्ड मार्लेस, उन्होंने कहा है ऑस्ट्रेलिया में कि चाइना के बने हुए कैमरे नहीं चाहिए। अब आप जानते हैं सरोजनी नायडू के बारे में। 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, कानपुर में जो सत्र हुआ था, कानपुर सेशन, तो कांग्रेस का कानपुर सेशन फर्स्ट, ये भारतीय महिला है, फर्स्ट वुमेन जो कि इंडियन है, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि प्रेसिडेंट बनी उनका नाम क्या है, सरोजनी नायडू। अगर सिर्फ फर्स्ट वुमेन पूछा जाएगा तो वो कौन थी, वो है एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट है। और ये जो है ये बनी थी 1917 में, जो कि कलकत्ता में जो सेशन हुआ उसमें बनी, एनी बेसेंट कानपुर में बनी। एनी बेसेंट को हम नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, और ये 13 फरवरी को नेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इनका बर्थडे है 13 फरवरी 1879, तो इसीलिए सरोजनी नायडू का बर्थ एनिवर्सरी है 13 फरवरी को। इस साल इनका 144th बर्थडे मनाया गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, रेडियो। रेडियो आप लोग सुने होंगे, तो रेडियो दिवस मनाते हैं कब, तो ये भी 13 फरवरी को मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं, है ना। और ईच ईयर ये रिकॉग्नाइज किया जाता है रेडियो एज पावरफुल मीडियम, और द डे वॉज प्रोक्लेम्ड इन 2011 बाय यूनेस्को, ठीक है। तो रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, 2012 से हम इसको मना रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, देखिए मिर्गी रोग आपने सुना होगा मिर्गी के बारे में, तो मिर्गी के जो पेशेंट होते हैं उनका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। इस बीमारी को हम एपिलेप्सी कहते हैं, एपिलेप्सी, ठीक है जी। तो फरवरी के हर दूसरे मंडे को, सेकेंड मंडे ऑफ फरवरी, दुनिया भर में मिर्गी दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूकता हो सके। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है, दांत लग जाता है और पेशेंट का काफ़ी ध्यान रखना होता है, ठीक है। चलिए, तो एक सेगमेंट यानी कि न्यू करंट अफेयर्स हमारे ख़त्म हो गए। जो बच्चे CAPF की तैयारी कर रहे हैं, यानी जिनको असिस्टेंट कमांडेंट बनना है किसी जगह भी, BSF में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, सशस्त्र सीमा बल में, या इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स में ITBP जिसको कहते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तो असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आपको एग्जाम देना होगा 6 अगस्त को, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन 26 अप्रैल को आएगा, लेकिन मैं आज आपको ये बता रही हूँ इसीलिए क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, बहुत ज़्यादा ये IAS के सिलेबस जैसा होता है। यहाँ पर आप सबसे बड़े पोस्ट पे जाएंगे, असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, एक दो क्वेश्चन मैथ्स का आता है, एक दो क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, 30 क्वेश्चन आपके साइंस के आते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आते हैं, पेपर 2 इंग्लिश पे बेस्ड है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं 125 क्वेश्चंस में वो GK के आते हैं और करंट अफेयर्स के आते हैं। तो अगर आप सिर्फ 1379 रुपीज़ में इस कोर्स में आना चाहते हैं तो आज आ जाइएगा, क्योंकि आज शायद ये बैच एंड हो जाएगा, अब नया बैच आ गया है। तो सिर्फ 1379 रुपये में आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y332, इससे लीज तैयारी आपकी नहीं हो सकती है। हाँ बिल्कुल, आज जैसे आप लोग वैलेंटाइंस मना रहे हैं तो आपने जो भी आपका दोस्त है, सहेली है, उसको आप बैच भी ऑफर दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, ताकि वो भी थोड़ा पढ़ लिख ले, ठीक है।
है. और अगर आप महापैक लेंगे जो भी डिफेंस का, इंजीनियर्स का, बैंक का, एसएससी का, तो डबल वैलिडिटी है. कोड आपको पता ही है, Y332. फाइन, तो डबल वैलिडिटी स्टार्ट हो चुका है. चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, दिसंबर में जो भी स्पोर्ट्स के न्यूज है, जो भी स्पोर्ट्स के न्यूज है ना, तो उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं दिसंबर महीने के. तो पहले आप देखिएगा, फीफा का वर्ल्ड कप हुआ. ये मेन वर्ल्ड कप था है ना, लड़के बॉयज का था ये, लेकिन फीमेल रेफरी बनी जिनका नाम है स्टेफन फ्रेपार्ट. ये हम आपको याद करा चुके हैं, फ्रेपार्ट, स्टेफन फ्रेपार्ट फीफा वर्ल्ड कप में फीमेल जो है वो एम्पायर बनी. नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी. तो नाडा जो है इंक्लूसिव कॉन्क्लेव फॉर द फर्स्ट टाइम ये काम करने वाला है उस एथलीट पे जो कि डिसेबल है, यानी कि वो डिफरेंटली एबल्ड है, दिव्यांग है. पहली बार नाडा, ठीक है. विजय हजारे ट्रॉफी, इसको किसने जीता, तो विजय हजारे ट्रॉफी को सौराष्ट्र ने जीता और महाराष्ट्र को हरा दिया. महाराष्ट्र को 5 विकेट से सौराष्ट्र ने हरा दिया, ठीक है. नेक्स्ट आप देखिएगा कि थर्ड T20 वर्ल्ड कप हो रहा है टूर्नामेंट, और ये ब्लाइंड, जो ब्लाइंड खेलते हैं उनके लिए तीसरा संस्करण है, और ये कहाँ होगा, ये इंडिया में होगा. क्लियर है, अंडरस्टूड. चलिए सारा रिवीजन करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी देखिए. देखिए ये शूटर है जिनका नाम है रुद्राक्षन पाटिल. इन्होंने इजिप्ट में ISSF प्रेसिडेंट कप जीता, ठीक है. तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन हुआ जहाँ पे प्रेसिडेंट कप इजिप्ट में जीता किसने, तो रुद्राक्षन पाटिल ने. इजिप्ट इस साल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे ही अब्दुल सिसी जो है, सिसी ये प्रेसिडेंट है इजिप्ट के, और ये 26 जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट भी रहे हैं. नेक्स्ट आप देखिएगा, इंडियन स्किपर है यानी कि ये कैप्टन है इंडिया के, और इंडियन कैप्टन क्या करें, रोहित शर्मा. ये 6th हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं इंडिया के लिए ODIs में. तो ODI में 6th हाईएस्ट रन स्कोरर ये बन चुके हैं. यस, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी टीम बदल दी है. 200 मिलियन यूरो इनको मिला है, और ये सऊदी अरेबिया की टीम जिसका नाम है अल नशर, इसको ये ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है. ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो. चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, वर्ल्ड नंबर थ्री की बात चल रही है. वर्ल्ड नंबर थ्री है सुकंत कदम, ठीक है. सुकंत कदम जो है ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, और ये पेरू पैरा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में, तो ये पैरा बैडमिंटन खेलते हैं. आपको मैंने बताया था कि पैरा बैडमिंटन के लिए हमने स्टेडियम लखनऊ में बनाया है, ठीक है. तो ये पैरा बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है पेरू. मीराबाई चानू है ना, तो मीराबाई चानू ने क्या किया है, वेट लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने जीता है. ये कोलंबिया में जीता है, और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है यहाँ पे, ठीक है. सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है कोलंबिया में. नेक्स्ट आप देखेंगे, ये आदित्य मित्तल है, और आदित्य मित्तल भारत के 77th चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं. तो भारत के इंडिया 77th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इनका नाम है आदित्य मित्तल है ना, आदित्य मित्तल. नेक्स्ट आप देखें, एडन हजार्ड इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर हो चुके हैं. ये आप मुझे बताइए कि ये किस टीम के लिए खेलते थे और किस कंट्री के लिए खेलते थे, फुटबॉल से रिटायर ले लिए हैं एडन हजार्ड. नेक्स्ट आप देखें तो हजार खेलो इंडिया सेंटर्स, इसको 15 अगस्त जब हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा, कसम अटक रहा है, तो जब हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव होगा 15 अगस्त को, तो 15 अगस्त तक खेलो इंडिया सेंटर्स को और यहाँ पर ओपन कर दिया जाएगा, टोटल 1000. नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखेंगे, मैक लाफिंगलिन, ठीक है, और लेब्रॉन मैक लाफिंगली रेवरॉन इनका नाम है, और मोंडो ड्यूप्लांटिस. तो ये मेल जो है इनका नाम है मोंडो मोंडो ड्यूप्लांटिस, और ये जो फीमेल है जो आपको दिख रहा है एथलीट है, मैक लाफिंगली लेवरॉन इनका नाम है.
इन दोनों को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है. ठीक है, तो ड्यूप्लांटिस और लाफिंगलिन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप देखें, दिव्या टीएस, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता विमेन एयर पिस्टल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में. तो इनका नाम है दिव्या टीएस, तो नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 2022 में. नेक्स्ट आप देखें, मोरक्को वर्सेस फ्रांस, ये अपडेट्स जो आपका फीफा का हुआ, तो फीफा में आपको पता है कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनाल्टी शूटआउट्स में हरा दिया. फिर आप देखें, इंग्लैंड के जो रोट, इन्होंने ज्वाइन किया एलीट लिस्ट, जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा इन्होंने टेस्ट रन्स बनाए और 50 से ज़्यादा विकेट्स भी लिए. तो ये जो रूट्स हैं जिन्होंने एलीट टीम को ज्वाइन किया है, एलीट के लिस्ट में ये चले गए. हैदराबाद स्ट्राइकर्स को टेनिस प्रीमियम लीग उन्होंने जीता है. तो हर स्पोर्ट्स का प्रीमियम लीग हो गया है, उसी तरह से टेनिस प्रीमियम लीग हुआ. तो टेबल टेनिस नहीं है, लॉन टेनिस है. ठीक है, तो लॉन टेनिस में किसने जीता, हैदराबाद स्ट्राइकर्स, इस तरह का इनका नाम है, तो इन्होंने जीता. फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022, तो चाहत अरोड़ा ने एक सेट कर दिया रिकॉर्ड, इन्होंने ब्रेस्ट स्ट्रोक्स मारे 10 मीटर्स में. तो नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने सेट कर दिया, जिनका नाम है चाहत अरोड़ा. चाहत अरोड़ा पूछा जाएगा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आप बोलिएगा कि स्विमिंग से रिलेटेड है. ब्रेस्ट स्ट्रोक्स इन्होंने मारे 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में, नेशनल रिकॉर्ड इन्होंने कायम कर लिया है. नेक्स्ट आप देखेंगे कि टाटा स्टील ऑफिशियली पार्टनर्ड FIH, तो हॉकी फेडरेशन जो है भारत का, इसको हॉकी मेंस फेडरेशन, जो कि इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता था ओलंपिक्स में, आपको याद होगा, और विमेन जो है वो फोर्थ स्थान पे रही, है ना. तो यहाँ पे मेन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और इसका ऑफिशियल पार्टनर हो गया है टाटा स्टील. चलिए नेक्स्ट आप देखें, एक बार जो मैं बोल रही हूँ ना गाइज, आराम से बोल रही हूँ, आप कमेंट में अगर लिखते चलिएगा ना तो आपको याद रहेगा. रहमान अहमद, ये इंग्लैंड के यंगेस्ट क्रिकेटर बन चुके हैं जिन्होंने डिब्यू किया टेस्ट क्रिकेट में. तो अभी तक यंगेस्ट क्रिकेटर कौन बने, तो इनका नाम है रेहान अहमद. चलिए नेक्स्ट, ये जो फीफा का वर्ल्ड कप था, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका अनावरण यानी कि इस पे से पर्दा किसने उठाया, तो दीपिका पादुकोण, जिनका कोई लेना देना पता नहीं, जो भी है, तो इन्होंने पर्दा उठाया. ऐसे आपको पता है कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया और मेसी कैप्टन थे, तो इनका गोली था वो बड़ा अच्छा था, तो काफ़ी स्ट्रांग था वो गोली, उसको गोल्डन ग्लव्स भी मिला. तो यहाँ पे फ्रांस को हराकर, वो भी पेनाल्टी शूटआउट में, शायद सभी ने ये मैच देखा होगा, कतर में इस साल हुआ ये मैच और अर्जेंटीना जीत. ठीक है, वर्ल्ड एथलीट्स नीरज चोपड़ा पे सबसे ज़्यादा चीज़ें इस साल लिखी गई 2022 में. तो 2022 में किस एथलीट पे सबसे ज़्यादा चीज़ें लिखी गई पूरी दुनिया भर में, तो पहले जमाइकन रनर थे, लेकिन अब इनको पीछे छोड़कर नीरज चोपड़ा पे लिखी गई 2022 में. ठीक है, यस. नेक्स्ट आप देखें, तो इंडिया का जो हॉकी टीम है, हॉकी का वुमेन टीम, इसने FIH नेशंस कप जीत लिया. तो FIH नेशंस कप किसने जीता, भारत के वुमेन हॉकी टीम ने 2022 में. राफेल नडाल ने और ईगा स्वेटेक ने, इन दोनों को ITF, तो ये टेनिस का सबसे बड़ा होता है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, वर्ल्ड चैंपियनशिप मिला. तो राफेल नडाल और ईगा स्वेटेक पोलैंड की है, ये वर्ल्ड नंबर वन है, पहले वर्ल्ड नंबर वन आश्ले बार्टी थी, लेकिन 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर आश्ले बार्टी ने वो रिजाइन कर दिया लॉन टेनिस से, और उसके बाद से जो सेकेंड पे थी यानी ईगा स्वेटेक, तो ये वर्ल्ड नंबर वन बन गई, और राफेल नडाल, इन दोनों को ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप मिला. ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि यंगेस्ट प्लेयर जो इंग्लैंड के, इनका नाम है रेहान अहमद, और इन्होंने क्लेम किया 5 ऑन टेस्ट डिब्यू. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे करीम बेंजाना, ये फ्रांस के हैं, जो कि हार गई थी टीम, उसके बाद इन्होंने अनाउंस कर दिया इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट, लेकिन टीम भले हारी हो,
बहुत अच्छा उनका मतलब काफी भयानक टक्कर दिया था उन्होंने। हर किसी को लगा होगा कि मतलब ऐसा था कि हर एक गोल के बाद कि अब अर्जेंटीना जीतेगा, अब फ्रांस जीतेगा, अब अर्जेंटीना। और मबापे जो है वो राइज किए बहुत ज्यादा 2018 में। वैसे मबापे जो टीम जो फ्रांस ने जीता था, फ्रांस ने 2018 का जीता था और मबापे थे उस टीम, राइट। चलिए तो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने बांग्लादेश को 120 से हरा दिया। तो ये इंडिया में ही हुआ ये मैच, तीसरा संस्करण था। और थर्ड संस्करण था, इंडिया ने क्या किया, बांग्लादेश को हरा दिया। वायाकॉम 18, तो ये जो पेरिस में ओलंपिक्स होने वाला है 2024 में, तो इसका ब्रॉडकास्टिंग राइट इंडिया और सब कॉन्टिनेंट यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तो इंडिया और उसके सब कॉन्टिनेंट में यानी ये पूरा एरिया में वायाकॉम 18 को मिला है ब्रॉडकास्टिंग राइट। तो ओलंपिक्स कौन दिखाएगा आपको, वायाकॉम 18। पूमा ये कंपनी है, पूमा, तो विराट कोहली की वाइफ मेहराडू, सॉरी, तो विराट कोहली की वाइफ जो है इनका नाम है अनुष्का शर्मा, ये ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है पूमा की। चलिए नेक्स्ट आप देखें तो फीफा वर्ल्ड चूज्ड मोरक्को टू होस्ट क्लब वर्ल्ड कप। तो देखिए फरवरी 2023 में फीफा वर्ल्ड कप नहीं होगा, फीफा क्लब वर्ल्ड कप होगा, क्लब। तो फीफा वर्ल्ड कप जो है क्लब वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होगा, मोरक्को में होगा। मोरक्को कहाँ पे, अफ्रीका में है। मोरक्को से कौन आया था, इबन बतूता मस्ती में लूटा पहले तो कर। तो इबन बतूता किसके टाइम आया, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आया। इबन बतूता ने कौन सा किताब लिखा, रिहाला लिखा। कभी कभी हम आपको बीच में हिस्ट्री भी पढ़ाने लगेंगे तो आप सोचिएगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गोवा होस्ट करने वाला है फर्स्ट एवर वर्ल्ड टेबल टेनिस, ठीक है। तो वर्ल्ड टेबल टेनिस का सीरीज होने वाला है भारत में और ये सीरीज जो है पहली बार होगा और इसको गोवा होस्ट करेगा। इनका फोटो देख के आपको पता होना चाहिए कि इनका नाम मनिका बत्रा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शाम कुरान ने ब्रेक कर दिया है आईपीएल ऑक्शन रिकॉर्ड और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव क्रिकेटर बन चुके हैं। ये आपको पता होगा किस टीम में गए, ये भी आप जानते होंगे। चलिए नहीं जानते हो तो बता दो एक बार, बाकी लोग जान जाएंगे कमेंट सेक्शन में। अच्छा एक बात बताओ यार, बोलना क्यों पड़ेगा, अगर मान लीजिए कि आपके एक घंटे के क्लास में मैं आपके पुराने करंट अफेयर्स रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग खुद से नहीं करोगे। तो दिसंबर के स्पोर्ट्स के न्यूज़ आपको रिवाइज करवाए जा रहे हैं, ऐसे ही रोज़ आपको कुछ ना कुछ रिवाइज करवाया जा रहा है, उसके बाद आपके नए करंट अफेयर्स पे भी ध्यान दिया जा रहा है, जो कल आपने पढ़ा है उसको भी रिवाइज करवाया जाएगा, बीच में हम आपको हिस्ट्री या पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। तो जब एक घंटे में इतना कुछ हो सकता है तो एक घंटे में एक बार आप लाइक भी कर ही सकते हैं, ठीक है। तो गेटो सोडा मलेशियन जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत चुका है। देखो ये बालक, ये छोटा सा बच्चा, इसने क्या किया है, इसने इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत गया। ये बच्चा बोल रहे बच्चा घूम गया, इसका बच्चा है, सीखो बच्चा से, ये मलेशिया जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत गया। अब तो कॉम्पिटिशन का कोई वही नहीं रहा है, पहले लोग कहते थे 25 साल के हो गए हो, ये करो वो करो, अब लोग कहेंगे 5 साल के हो गए, देखो 5 साल का बच्चा जीत रहा है। चलिए नेक्स्ट आप देखें, यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने स्पोर्ट्स सेंटर को कर्नाटका में इनॉग्रेट किया है ना। निखत जरीन और लवलीना बोरगोन, तो निखत जरीन और लवलीना बोरगोन जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है एलीट नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो निखत जरीन और लवलीना बोरगोन ये दोनों क्या करती हैं, बॉक्सिंग करती हैं, दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है एलीट नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं फैरान बहरुद्दीन, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, ठीक है। ऋषभ पंत का आपको पता होगा कि इस साल एक्सीडेंट भी हो गया था 2022 में, इनका कार का हालत आप देख सकते हैं काफी खतरनाक हो गया था। हाँ तो ये थे आपके दिसंबर मंथ के स्पोर्ट्स। देखो अगर प्यार से अच्छे से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है, जहाँ पे आपको हिस्ट्री मिले, पॉलिटी मिले, ज्योग्राफी मिले, इकोनॉमिक्स मिले, करंट अफेयर्स मिले, मिसलेनियस मिले, सब कुछ मेरे द्वारा जीके, राइट। तो जीके पूरा मेरे द्वारा, इसके अलावा आपको रीजनिंग मिलेगा
और आपका टेक्निकल सब्जेक्ट, ताकि आप एसएससी जेई के लिए तैयार हो जाए। अक्टूबर में ये एग्जाम है, लेकिन ये मत सोचिए कि अच्छा एग्जाम तो अक्टूबर में है, अगर आप अपना बेस क्लियर नहीं कीजिएगा तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। तो इसीलिए ये बैच आप ले सकते हैं, कोड आपको यूज करना है Y332। अगर आप एसएससी जेई के अलावा बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट है कि आप महापैक ले लीजिए। आज आपको डबल वैलिडिटी ऑफर भी मिल जाएगा, तो महापैक जो है यहाँ पे भी आप कोड Y332 यूज कर सकते हैं। फाइन, चले अब देखिएगा कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे डिस्कस करने थे, तो मैं इसको डिस्कस कर लेती हूँ। और ये क्वेश्चन जो है हिंदी में लिखे हुए हैं, लेकिन कोई बच्चा हल्ला नहीं करेगा क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। यूरोपियन में कौन सा स्वतंत्रता पूर्ण भारत में व्यापार करने के रूप में सबसे अंत आया? तो देखिए पूछा जा रहा है कि सबसे पहले तो पोर्तुगीज आया है ना, पोर्तुगीज सबसे पहले आए, उसके बाद डच के लोग आए, डच यानी कि नेदरलैंड्स के लोग आए, ठीक है, नेदरलैंड्स, उसके बाद आपके इंग्लैंड के लोग आए, इंग्लिश इन्होंने रूल किया फाइनली, उसके बाद आपके डैनिश आए, डैनिश, इन्होंने अपना सब कुछ अंग्रेज को ही भेज दिया था, डैनिश यानी कि डेनमार्क, और सबसे लास्ट में कौन आया? तो सबसे लास्ट में फ्रांस आया। फ्रांस इसका जो कंपनी है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1664 में बनी थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? तो ये 1600 में बनी थी, ठीक है, ईस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ? स्थापना पूछा जा रहा है, तो 1600 में, अगर आपको पता होगा कि 1556 से 1605 तक भारत में कौन था राजा, तो ये थे अकबर, ठीक है। लेकिन जब पहली बार, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। लेकिन जब पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कोई भारत आया तो वो सूरत में आया था 1608 में, रेड ड्रैगन नाम का शिप था, रेड ड्रैगन पे बैठ के, और इनका नाम क्या था? कैप्टन विलियम हॉकिंस, के कुकर वाले नहीं, बस इनका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो भारत में कौन सा ऐसा जगह था जो आजादी के बाद भी पुर्तगाल के पास था? तो पोर्तुगीज जो है वो भारत में सबसे पहले आए थे 1498 में, और सबसे लास्ट में गए 1961 में। तो गोवा का कौन सा भाग जो है, बिल्कुल 1608 में जहांगीर था, वेरी गुड, 1608 में बिल्कुल जहांगीर था, है ना, तो कौन सा पार्ट था? गोवा, है ना, गोवा, बिल्कुल। तो गोवा, ये आपका ऑपरेशन विजय शुरू हुआ था, तो ऑपरेशन विजय के तहत पोर्तुगीज से लिया गया, और गोवा जो है वो उनके पास ही रहा। पोर्तुगीज जब सबसे पहले आए थे तो उनका कैपिटल कोचिन था, उसके बाद इन्होंने 1510 में गोवा को जीता, और 1530 में गोवा को अपना कैपिटल बनाया था। गोवा को बीजापुर के राजा अब्दुल शाह से जीता गया था, और एल्बुकर्की ने गोवा को जीता था, ठीक है, और नीने दी कुन्हा ने गोवा को कैपिटल बनाया था। फाइन, चलिए नेक्स्ट है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस समय भारत का बादशाह कौन था? तो ये तो आप डिस्कस कर चुके हैं, अकबर है। भारत में फ्रांसीसी ने अपना पहला कारखाना कहाँ बनाया? तो ब्रिटेन में और फ्रांस में एक चीज कॉमन है, दोनों ने अपना पहला कारखाना सूरत में बनाया, और दोनों ने अपना दूसरा कारखाना मुसलीपट्टनम में बनाया। ब्रिटेन ने पहले बनाया, फ्रांस ने बाद में, क्लियर है? चलिए, जो निर्णायक युद्ध था, यानी कि जो सबसे बड़ा डिसीजन वाला युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और ब्रिटेन जीत गया, तो वो कौन सा युद्ध था? तो देखिएगा, कुछ युद्ध आपको याद रखना है, जैसे कि सवाली, ठीक है, उसके बाद बेदाड़ा, और फिर वॉन्डी वॉश। तो सबको ही आया, लेकिन रूल कौन किया भारत में? ब्रिटेन। तो सवाली में ब्रिटेन ने पोर्तुगल को हराया, बेदाड़ा में ब्रिटेन ने डच को हराया, डैनिश तो अपना सब कुछ बेचकर ब्रिटेन को चले गए, और वॉन्डी वॉश में ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा दिया, और वॉन्डी वॉश के बाद फ्रांस भारत से चले गए, ठीक है। पोर्तुगल ने अपनी पहली फैक्ट्री कैलीकट में 1500
ने किस जगह स्थापित की थी? तो ये किसने स्थापित की थी, किसने स्थापित की थी? सबको पता होगा कि 1498 में भारत कौन आया था? वास्को डिगामा, इन्होंने ही स्थापित की। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वास्को डिगामा। वास्को डिगामा के बाद अल्मेडा आया जो कि पहला गवर्नर बना, और फिर एल्बू कर्की आया, एल्बू कर्की। ठीक है, उसके बाद नीने डी कुन्हा। एल्बू कर्की रियल फाउंडर था, फर्स्ट गवर्नर भले अल्मेडा था लेकिन रियल फाउंडर और सबसे स्ट्रॉन्ग एल्बुकर्की था। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो डचों ने मसूली पट्टनम में की। ठीक है, डच जो है वो इंडिया में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे क्योंकि पोर्तुगीज जो है पॉलिटिक्स में घुस चुके थे, तो डच सिर्फ ईस्ट कोस्ट पे रहते थे ताकि वो इंडोनेशिया से ट्रेड कर सके। तो उनको भारत से ज्यादा इंटरेस्ट स्पाइसेस में था, यानी मसाला में था, और बिना किसी झंझट के उनको मसाला इंडोनेशिया से मिल रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो इसका नाम आप याद रखिएगा, थॉमस थॉमस स्मिथ। बहुत लोगों को ये नहीं पता है। फर्स्ट गवर्नर जो है रॉबर्ट क्लाइव लोग कह देते हैं, नहीं, थॉमस थॉमस स्मिथ इनका नाम था। फाइन, जहांगीर को खान, ठीक है, इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी? जहांगीर को इंग्लिश खान की उपाधि किसने दी थी? तो ये कब आया था जहांगीर? 1608, मतलब कैप्टन विलियम हॉकिंस कब आया था? 1608 में। ठीक है, तो जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? कैप्टन कैप्टन विलियम हॉकिंस को दी थी। देखो स्पैम मत कीजिए, ठीक है, ब्लॉक हो जाएंगे, पढ़ाई कीजिए। हम क्यूट है तो वो मेरा प्रॉब्लम है, तुम पढ़ाई करो। हाँ फैजल अहमद जी, पढ़ाई कर लीजिए। प्रथम कर्नाटिक युद्ध, प्रथम कर्नाटिक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? तो क्यों हुआ था पहला कर्नाटिक युद्ध? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों ने क्या किया था, ब्रिटेन ने क्या किया था, इन्होंने फ्रांस का जो शिप था ना, फ्रांस का जो जहाज था, तो जहाज पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो अधिग्रहण कर लिया था, इसीलिए पहला कर्नाटिक युद्ध हुआ। टोटल 3 कर्नाटिक युद्ध हुआ। कर्नाटिक का मतलब कर्नाटका नहीं होता है, उस समय कर्नाटिक जो है वो आंध्र प्रदेश का एरिया था। और लास्ट युद्ध जो है वो वॉन्डी वॉश का हुआ, जिसमें अंग्रेज हार गए, मतलब ब्रिटेन, सॉरी पूरा इतिहास ही बदल रही है, जिसमें फ्रांस हार गया। ठीक है, उस क्षेत्र का नाम बताइए जहां पर ओपियम के लिए ब्रिटेन आता था। तो अंग्रेज ओपियम के लिए, आपको जानने में ताज्जुब होगा, बिहार आते थे। उस समय बिहार में अफीम की खेती होती थी, और बिहार को शोड़ा कहा जाता था, शोड़ा, क्योंकि बिहार के बालू में शोड़ा मिलता था। शोड़ा जो है ये बारूद होता है और बम बनाने के काम आता है, तो शोड़ा बारूद बिहार से मिलता था। आखिरी क्वेश्चन हिस्ट्री का है कि भारत में 1613 में ब्रिटेन ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? तो ब्रिटेन ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई, और उसके बाद मसूली पट्टनम में लगाई। लेकिन बनकर पहले कौन तैयार हुआ? तो बनकर सबसे पहले मसूली पट्टनम तैयार हुआ, उसके बाद सूरत तैयार हुआ। क्लियर है? तो अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट फैक्ट्री विच वॉज कंप्लीटेड, तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? सूरत, नहीं मसूली पट्टनम। शुरुआत सूरत और कंप्लीट मसूली पट्टनम। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा रैपिड रिवीजन करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि अरेबिक एकेडमी मोदी जी ने कहाँ इनॉग्रेट किया है, प्लीज आप थोड़ा रैपिड कीजिए। तो ये मुंबई में किया है ना। चलिए नेक्स्ट है कि फॉर्मूला 1 भारत में कहाँ हो रहा है? तो हैदराबाद में हो रहा है, ये आपको पता है। 130 मिलियन का लोन हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए एडीबीआई ने किसको? एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ताई में, बीजिंग में, मनीला में, मनीला में है ना, ठीक है, मनीला फिलीपींस में, तो हिमाचल प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट आप देखें कि नतालिया गैवरिलिता ने रिजाइन कर दिया प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से। ये जो है मोल्डो की थी, मोल्डोवा। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रग मेकर कंपनी है, ड्रग दवाई बनाती है, फाइजर। फाइजर ने भारत में बिजनेस करने के लिए मीनाक्षी ने वातिया को अपॉइंट किया है। मार्स पे मिशन जा रहा है जो कि ऑन ब्लू ओरिजिन,
on Blue Origin, New Glenn. Blue Origin जो कंपनी है, ये कंपनी आपका जेफ बेजोस का है और ये मिशन जो है ग्लेन ब्लू ग्लेन, ठीक है, तो ये नासा द्वारा जा रहा है. एंटी कॉपिंग लॉ, तो आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, उत्तराखंड ने ये अपना कानून बना लिया है काफी स्ट्रिक्ट. वर्ल्ड कप जो है ये स्कीइंग मेडलिस्ट एलेना फैंचिनी का कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया 37 इयर्स में, और ये इटली की हैं और इनको इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड कप स्काइंग मेडलिस्ट ये रह चुकी हैं. स्काइंग यानी कि बर्फ में जो लोग स्केटिंग करते हैं. फाइन, चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे. उत्पादकता दिवस यानी प्रोडक्टिविटी डे होता है 12 फरवरी को. डार्विन दिवस भी 12 फरवरी को. इग्लू बना है ग्लास का, ग्लास रेस्टोरेंट, तो इग्लू में आप जाके रेस्टोरेंट खा सकते हैं गुलमर्ग में. 59 लाख टन का लिथियम मिला है जम्मू से, ठीक है. उसके बाद आप देखेंगे सबसे छोटा रॉकेट यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 ये स्पेस में भेज रहा है इसरो, ठीक है, श्रीहरिकोटा से. भारत के पहले कैप्टन जिन्होंने स्कोर किया सेंचुरी सारे फॉर्मेट्स में, रोहित शर्मा है. रिसेंटली रविंद्र चंद्र अश्विन फास्टेस्ट इंडियन बन गए हैं, जिन्होंने फास्टेस्ट इंडियन 450 विकेट लिए हैं अश्विन ने. थर्ड खेलो इंडिया विंटर गेम्स ये होगा गुलमर्ग में. महाराष्ट्र भूषण किसको मिला? अप्पा साहेब धर्म अधिकारी को. PCI राजा मोहन नेशनल अवार्ड 2020 ये किसको मिला? AB के प्रसाद को, जर्नलिस्ट हैं. राजा राम मोहन जो है वो न्यूज़पेपर लिखते थे, आपको पता होगा बहुत सारे भाषाओं के बारे में जानते थे. 2 सुप्रीम कोर्ट में जज आए हैं, अब टोटल जज हो गए 34. फिर आप देखेंगे CII क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, भारत का रैंक है 5वां, ठीक है. 3 दिन का उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है. ये इन्वेस्टर समिट जो है ये यहाँ पर किसने इनॉग्रेट किया? प्रधानमंत्री मोदी जी. स्टेट ऑफ डिजास्टर, यहाँ पर अब बिजली हो गया है खत्म, बिजली गुल साउथ अफ्रीका में. साउथ अफ्रीका पता नहीं कैसे होस्ट करेगा ICC T20. वर्ल्ड का सबसे एक्सेसिबल ऐप 2000 जो डिसेबल्ड पर्सन के लिए है व्हाट्सएप है. चीफ एस्ट्रोनॉट नासा के बने हैं जो अकाबा, ठीक है. फेलिक्स हाउफाउटे यूनेस्को पीस प्राइज एंजेलिना मर्कल को मिला है. यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्टर बने हैं कुलदीप आर्य. ईगल 44 ये अंडरग्राउंड एयरफोर्स है किस कंट्री का? ईरान का. ब्रांड एम्बेसडर मिंत्रा के कौन बने हैं? रणबीर कपूर. सुखविंदर सिंह सुक्खू ये हिमाचल निकेतन बना है लेकिन दिल्ली में बना है. और ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, आपका रिवीजन भी हो गया है. जो भी बच्चे आज अगर आप इनरोल करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी कि आज का बेस्ट ऑफर ये रहा कि आप जल्दी से डबल वैलिडिटी के तहत महापैक ले सकते हैं. तो आपको adda247.com पे जाना है, ऑल कोर्सेज में जाना है. अब आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस में हो, डिफेंस में आप CDS, अग्निवीर, ITBP, CRPF, ASI हेड कांस्टेबल या फिर लेफ्टिनेंट, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आप अगर डिफेंस का महापैक लेते हैं तो महापैक में आपको डबल वैलिडिटी मिलेगा. अगर आप 6 महीने का महापैक लेंगे तो आपको 6 महीने का महापैक मेरी तरफ से फ्री मिलेगा. और यहाँ पे आप कोड यूज़ कर सकते हैं डिफेंस, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आज 14 फरवरी है और पुलवामा अटैक का दिवस है, आज ब्लैक डे है. तो आप लोग जल्दी से ऑफिसर बन जाइए और देश के लिए कुछ कर दिखाइए. तो 2299 रुपीज़ में आपको 6+6 यानी कि 1 साल का महापैक मिलेगा, जिसमें आपको सारे एग्जाम्स मिलेंगे, FCAT, CDS, CAPF, इसके अलावा CISF, ITBP, असम राइफल्स, जितने भी हेड कांस्टेबल ASI के पोस्ट आते हैं, NDA भी है इसमें और अग्निवीर भी है. और जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पे क्लिक करना है, इंजीनियरिंग के महापैक में जाना है. जितने जैसे कल एग्ज़ाम हुआ था KVS का, KVS, TGT, WE का, तो
तो जितने भी बच्चे हैं जो सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल की तैयारी कर रहे हैं उनको बस क्लिक करना है। 6 मंथ वाला अगर आप लेते हैं तो 6 मंथ प्लस 6 मंथ का आपको यहाँ पे लगाना है और कोड यूज़ करना है Y332 ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और सिर्फ 3449 रुपये में एक ऐसा पैक मिलेगा जिसमें टेस्ट सीरीज, ई बुक्स और सारे एग्जाम्स टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपके कवर हो जाएंगे। तो स्टेट के AEJEE के अलावा भी जो एग्जाम्स होते हैं वो भी हो जाएंगे। तो आप जल्दी से आज महापैक में एनरोल कर लें क्योंकि डबल वैलिडिटी ऑफर चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल वैलिडिटी ऑफर, और ये महापैक पे मिलेगा और टेस्ट पैक पे भी मिलेगा। तो जो जिनको टेस्ट पैक चाहिए उसके लिए मैं बता दूँ कि टेस्ट पैक में आप एग्जाम पे क्लिक करेंगे ना, जिस भी एग्जाम पे, और नीचे स्लाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने टेस्ट सीरीज किया तो ये सारे टेस्ट सीरीज हैं, इस पे भी डबल वैलिडिटी ऑफर है। टेस्ट सीरीज का कोड एक थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आपको Y332 यूज तो करना ही है लेकिन एक S भी लगा देना है, तो Y332 और S, ठीक है। तो यहाँ पे S लगा दिया मैंने, तो Y332 कोड यूज करके S लगा दिया मैंने, और S लगाने से आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Y332S है ना, और ये पैक मुझे मिल गया टेस्ट पैक 331 रुपीज में, वो भी 2 साल के लिए। मेरे बाद मेरे कोई छोटे भाई बहन भी इसको बना सकते हैं, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बूस्टर नहीं चल रहा है, रैंकर्स चल रहा है, एफ कैट का रैंकर्स बैच चल रहा है, उसी में MCQs है, तो बूस्टर उसी में मर्ज है, फाइन। SSC JEE की आपको जो स्मार्टली तैयारी करनी है, मैं एक ही बात बता सकती हूँ, इतना बेसिक फाउंडेशन और इसके पहले भी मैंने कहीं नहीं पढ़ाया है, तो ये SSC JEE के बैच में आप आ जाइए आज फाउंडेशन कोर्सेज में, सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, जिसमें भी आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है, फाइन, और आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ATC की बैच चल रही है मेरी सुबह 9 बजे, तो अभी बस शुरू होने वाली है। थैंक यू। ATC में भी आप आ सकते हैं बिल्कुल, आप ऐसे यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आपको सारे बैचेस दिख रहे हैं। AAI ATC का ये बैच है जहाँ पे मेरी क्लास सुबह 9 बजे चल रही है, फाइन। तो सेशन को एंड करते हैं यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, और आप सभी लोग अपने आप पे ध्यान दीजिए आज के दिन, और आज से